आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब अ गोल दैट यू वुड लाइक टू अचीव इन द फ्यूचर। हमने किसी ऐसे गोल के बारे में, अपने टारगेट के बारे में बात करनी है जिसको हम नियर फ्यूचर में अचीव करना चाह रहे हैं, या हम उसकी उसके लिए एफर्ट्स हमारी जा रही है, उसको हमने डिस्क्राइब करना है। और उसके लिए इन पॉइंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट दिस गोल हैज टू डू विद योर लाइफ, यानी व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, एंड व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस गोल, हाउ यू विल अचीव इट एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और उसके लिए सिंपल आंसर हम स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्टिंग ली जा सकती है। सीधा आप रीडिंग स्टार्ट करें। I have always been interested in setting goals and make more efforts to achieve these goals. मैं हमेशा से इस बात में दिलचस्पी लेती रही हूँ कि मैं अपने गोल अपना जो अहदाफ हैं उनको तरतीब दूँ और मेहनत करूँ उनको हासिल करने के लिए बिकॉज क्योंकि इन दिस वे इस तरह से आई सेव माई टाइम एंड स्टेमिना. मैं अपना टाइम और अपने जो एनर्जी है उसको मैं बचा सकती हूँ एज आई शेड्यूल्ड एवरी टास्क बिफोर डूइंग. जैसे कि किसी भी टास्क को तरतीब मैंने दिया होता है उसको करने से पहले. हाउ एवर ताहम आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई बिगेस्ट गोल. मैं अपने जिंदगी के बहुत बड़े अहदाफ के बारे में बताना चाहूंगी एट द मोमेंट. इस टाइम इस वक्त पे इज टू स्टडी माई PhD इन ऑस्ट्रेलिया, जब मैं अपनी PhD ऑस्ट्रेलिया में कर रही थी. ओके ये देखिएगा, बिगेस्ट गोल मींस बड़े अहदाफ नहीं, हदफ। ठीक है, अहदाफ जमा है उर्दू में, हदफ उसका सिंगुलर है। और इज टू स्टडी यानी पढ़ना, इज टू हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई काम करना हो। हम ये नहीं कहेंगे जब मैं पढ़ रही थी, वो तो वाज हो जाएगी ना, व्हेन आई वाज स्टडिंग। सो यहाँ पे लिखा है कि माई बिगेस्ट टास्क, माई बिगेस्ट गोल एट द मोमेंट, यानी एट द मोमेंट मीन्स इसकी जगह हम कौन सी फ्रेज यूज कर सकते हैं? करंटली भी हो सकता है. करंटली, प्रेजेंटली, दिस मोमेंट, राइट नाउ। ओके आगे देखिएगा यहाँ पे, आई हैव ऑलवेज बीन। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन सेटिंग गोल्स, लेकिन हम आई एम की जगह जो है हैव बीन या हैज बीन तब यूज करते हैं, यानी एम इज आर की जगह, जब हमने यानी हमारा जो एक्शन है उसका जो यानी कनेक्शन है वो पीछे से आ रहा हो, पास्ट से, काफी देर से। मसलन आई एम इंटरेस्टेड, यानी मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसका मतलब हम एट द मोमेंट बात कर रहे हैं टेम्परेरी एक्शन की। हमारा जो इंटरेस्ट है वो टेम्परेरी है, किसी एक्शन में बताना कि यस आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। सो लेकिन आई हैव बीन इंटरेस्टेड, यहाँ आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, इसका मतलब है मैं काफी देर से इसके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, काफी देर से मेरा इसमें इंटरेस्ट जो है वो मेरा कायम है। सो हो सकता है पिछले 10 सालों से, पिछले 1 साल से। नॉट अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट प्रेजेंट मोमेंट। ओके उसके बाद स्टेमिना एंड स्केड्यूल, वी कैन से स्टेमिना मीन्स एनर्जी एंड स्केड्यूल मीन आई प्लान्ड, यानी आई स्कीम्ड, किसी चीज को तरतीब देना, प्लानिंग करना उसकी, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। Yes, next paragraph की reading आप करें सर। It is something which is very important to me. It is something, ये वो चीज है, ये वो चीज थी जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहमियत है, अहमियत रखती है, because I will literally, it will literally change my life forever. क्योंकि ये चीज मुकम्मल तौर पर मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर देगी एंड कुड डिटरमाइन कंसीडरेबली डिफरेंट फ्यूचर फॉर मी और एंड कुड डिटरमाइन जहन से निकल गया अभी तो मैंने देखा था फ्यूचर को तब्दील, मैडम ये नहीं समझ आई। डिटरमाइन, नो इसको डिटरमाइन नहीं बोलेंगे, डिटरमाइन, डिटरमाइन जी, यस इसे बोले डिटरमाइन, डिटरमाइन ओके मुतय्यन करना,
और ये मुतय्यन कर सकती है एक एक कंसिडरेबल, यानी जिसको मैं गिन सकता हूँ या जिसको अहमियत दे सकता हूँ फर्क फ्यूचर में। आप इसको यानी ओवरऑल करें, इसको वर्ड बाय वर्ड करने की कोशिश नहीं करें, ओवरऑल बस इसका बताएं इसमें क्या सेंस है वो बताएंगे इस पैराग्राफ में। जी यानी ये मेरा जो मेरे मुस्तकबिल जो है उसको और मेरे पास्ट से बहुत ज्यादा फर्क डाल देगी और मुझे एक डिफरेंट जो है जगह पर ले जाएगी ये चीज। ओके देखिएगा इट्स समथिंग यानी ये मेरे लिए एक ऐसी चीज है व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, इंपॉर्टेंट टू मी ये फ्रेज देखिए इसको दोहराएं जरा इंपॉर्टेंट टू मी यानी आपके लिए जो टास्क जो चीजें बहुत अहम होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हुए आप किस तरह से बात करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू मी यानी मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बिकॉज इट विल लिटरली चेंज माई लाइफ, लिटरली मीन्स रियली यानी वाकई हकीकतन यानी रियली ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा एंड कुड डिटरमिन आर कंसिडरेबली डिफरेंट एंड कुड डिटरमिन और ये कर देगा डिटरमिन कर देगा फिक्स कर देगा ओके ये यानी डिसाइड कर देगा मेरी आर कंसिडरेबली डिफरेंट फ्यूचर एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ह्यूज यू कैन से ग्रेट अ ग्रेट फ्यूचर कंसिडरेबली ग्रेटली यानी बहुत हद तक डिफरेंट बहुत ही यानी यू कैन से एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्यूचर मेरे लिए जो है वो ये डिसाइड कर देगा एज अपोज टू स्टेइंग हियर इन माय ओन कंट्री जो कि अपोज है इसके कि मैं अपने ही कंट्री में स्टे करूं यहीं पे ठहरा रहूं। अपोज्ड हम यूज करते हैं जो जिस सेक्शन के हमने कहना ना कि इसके बरअक्स अगर मैं ऐसा कर लूं यानी अगर मैं यहाँ वहां पे पीएचडी के लिए चला जाऊं तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर जो है वो डिजाइन हो जाएगा बजाय इसके बरअक्स इसके कि मैं अपने ही कंट्री में स्टे करूं यहीं पे रहूं। ओके मैम यहाँ पे जो कोड है वो आपने कहा था कि मुतय्यन कर देगा फ्यूचर के लिए यूज हो रहा है कुछ डिटरमाइन खुद जो है इसको पास्ट के लिए भी यूज करते हैं और फ्यूचर के लिए भी डिटरमिन डिटरमिन और यहाँ पे खुद आ रहा है खुद डिटरमिन यानी ये मेरा एक बहुत ही ग्रेट फ्यूचर डिटरमिन कर देगा कर सकेगा इस मीनिंग में आ रहा है यानी इस काबिल हो जाएगा जैसे हमने कहना हो ना कि विल बी एबल आई विल बी एबल टू डू दिस मैं ये करने के काबिल हो जाऊंगा सो हम कह सकते हैं आई कुड डू दिस मैं फ्यूचर में ये कर सकूंगा। राइट जी नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करें आप सिद्रा आप करें। I have been planning and working towards this goal. मैं इस हदफ को हासिल करने के लिए काम कर रही हूँ और प्लानिंग कर रही हूँ for last couple of years कुछ सालों से even since I finished my undergraduate degree जब मैंने अपनी undergraduate तब से जब से मैंने अपनी undergraduate degree जो है वो मुकम्मल की है and began to look at employment or employment hasil karne ke liye karne start ki thi employment opportunities both here and uski taraf dekhna shuru kiya uske liye struggle karna shuru kiya both here and also the opportunity to work in countries like Australia Canada the USA and UK yahan pe bhi aur dusre mumalik jaise Australia Canada America aur England mein जी यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पे है आई हैव बीन प्लानिंग यहाँ पे नहीं है आई एम प्लानिंग आई हैव बीन प्लानिंग यानी मैं काफी देर से ये प्लान कर रहा हूँ सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आई एम प्लानिंग एंड आई हैव बीन प्लानिंग। आई एम प्लानिंग का मतलब होगा अभी यानी मैं इसी लम्हे मैंने दो मिनट पहले प्लानिंग सोचना शुरू किया या पांच मिनट पहले यानी ये मेरा टेम्पररी जो है वो एक्शन है प्लानिंग का लेकिन आई हैव बीन प्लानिंग इसका मतलब है काफी देर से इस एक्शन पे काम जा रही है और उसके बाद कपल ऑफ इयर्स यानी पांच छह सालों से ओके इवन सिंस यहाँ तक के जब से तब से अंडर ग्रेजुएट डिग्री ओके यानी अंडर ग्रेजुएट यू कैन से व्हिच इज नॉट कंप्लीटेड येट अ डिग्री
any a university degree which is not yet taken by a student. Okay. Opportunities ka synonym kya hoga, koi batae? Possibilities. Yes. ये भी किसी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इतना suitable नहीं है. यहाँ पे जो इसका set आ रहा ना synonym, वो होगा यहाँ पे vacancies, chances, vacancies. Okay. उसके बाद यहाँ पे और देखिएगा एक point. यहाँ पे लिखा हुआ है like Australia, Canada, the USA, the UK. ये countries name है, so इनके साथ the नहीं लगा, लेकिन USA, UK, ठीक है, ये states हैं. So इनके साथ हमने the use किया, the USA, the UK, and Australia, Canada. ये नहीं कहा the Canada, the Australia, the Pakistan. Clear हो गया? मैडम state भी country होती हैं. No, there is a different, you can say, यानी वो different जो है ना, यानी portions को लेके जो है उनको इकट्ठा किया होता है. So English का ये rule है, ठीक है? अब ये समझ ले जिनके ये abbreviation use होते हैं ना, USA, UK, so उनके साथ हम डाल गएंगे UNO, the UNO, the USA, the UK. ठीक. लेकिन जो full country name होगा उसके साथ हम डाल नहीं लगाएंगे. Okay. Yes, आगे देखिएगा. It was at that point that I decided that studying and working abroad was something I really wanted to do in my life. It was at that point that I decided. ये वो वक्त था कि इस लम्हे, इस मुकाम पर जब मैंने decide किया that studying and working abroad. ये पीछे एक और हो गया, यानी sense complete होगी आगे that के साथ जो है कि क्या मैंने सोचा कि studying and working abroad, कि मैंने मुल्क से बाहर काम करना और पढ़ना was something, ये वो चीज थी I really wanted to do in my life, जिसको मुझे life में करना था. अब यहाँ देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा working in abroad. Abroad का मतलब ये होगा यानी मुल्क से बाहर किसी जो है ना, यानी you can say यानी बरौनी जगह पर, मुल्क से बाहर. So इसके साथ in नहीं कहते, he is working in abroad. You can say he is working abroad. Going abroad, not going in abroad. यहाँ ये student mistake करते हैं. I don't know if the working part will be something permanent or possibly only for a few years. मैं नहीं जानता कि जो मेरा काम करना होगा वो कैसा होगा, permanent या possibly